लिए मतलब 100 के ऊपर चलते रहता हूँ, तो इसके लिए मुझे इसकी वो चेंज करनी है। तोड़ने में कुछ नहीं, एक बार तोड़ दूंगा आदत लग जाएगी मुझे भी। शुक्रिया बहुत बहुत आपका जो इसके पहले वीडियो में आपने सब सपोर्ट किया है, क्योंकि उस वीडियो में मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो हफ्ते के अंदर 300 व्यूज टच करी है। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मुसाफिर। तो आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर, जो कि है इसके सर्विसिंग के पार्ट्स लेने हैं। अब वो पार्ट्स ज़्यादा नहीं, 5-6 पार्ट्स है, जैसे कि अपना एक ऑयल फिल्टर लेना है, फ्यूल फिल्टर लेना है और इसकी रेयर व्हील की बेयरिंग्स लेनी है। तो बस चलते हैं अभी माहिम में है बजाज का सर्विस सेंटर, तो अभी जाके लेके आते हैं और देखते हैं क्या करना है इसका। तो चलो मिलते हैं अब सीधा गोप्रो पे। और शुक्रिया बहुत बहुत आपका जो इसके पहले वीडियो में आपने सब सपोर्ट किया है, क्योंकि उस वीडियो में मेरी ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो हफ्ते के अंदर 300 व्यूज टच करी है। वो मेरी यही मेरी वीडियो थी इसके पहले वाली, सुपर बाइक्स वाला सुपर व्लॉग। तो थैंक्स अलॉट आप सभी का जिसने भी मेरी वो वीडियो देखी है। इसी तरह से अपना प्यार बताते रहें, मतलब इसी तरह से प्यार बरकरार रखिए हमारे लिए। तो आज 300 व्यूज़ पहुँचे हैं, इंशाल्लाह आगे भी अपन और व्यूज़ का काउंट बढ़ा लेंगे अपने लिए। तो चलते हैं अभी सर्विस सेंटर, बाकी बातें करेंगे आपसे बाइक पे, गोप्रो पे। तो चलते हैं, राइड करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं गोप्रो पे। तो व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है मैंने, अभी ये वही जगह है जहाँ पे अपन ने अपना लास्ट व्लॉग शूट करना शुरू किया था। अब मोस्टली सारे व्लॉग मेरे इधर ही आएंगे, मतलब यही जगह से। तो अब चलते हैं, यहाँ से निकालता हूँ मैं गाड़ी और जाएंगे सीधा माहिम बजाज। अभी टाइम हो चुका है 4:08। चलो चलते हैं। चाबी किधर है? अच्छा चाबी निकाली ही नहीं मैंने, शाबाश। चलो निकलेंगे यहाँ से, यही जगह मुझे सही लगती है, खाली रहती है, शांति में मैं अपना व्लॉग बना लेता हूँ, शूट कर लेता हूँ। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो अब सीधा जाएंगे माहिम बजाज सर्विस सेंटर और इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो मैंने शूट कर लिया है पहले से, बस उसका इंट्रो शूट करना है, जो कि इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर चैलेंज रहेगा, कितना जाती है ये, कितनी स्पीड बनाती है फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर पे। तो मैं बताऊँगा आपको इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। फ़िलहाल तो अभी चलते हैं अपन अपने माहिम बजाज, इसकी सर्विसिंग का थोड़ा सामान लेना है, जैसे कि अपना एक तो एयर फिल्टर लेना है, ऑयल फिल्टर लेना है और उसके बाद में क्लच केबल लेनी है। एक क्लच केबल थोड़ी लूज़ होगी यहाँ से और बड़ी भी है ये, पता नहीं पहले कौन सी थी, अभी लग तो मैंने फ़िलहाल चेंज नहीं किया है जब से गाड़ी लिया है। उसके बाद लेना है अपने को एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, अगर फ्यूल फिल्टर अवेलेबल हुआ तो वो भी ले लेंगे। और चेन का भी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि कौन सी चेन लेनी है इसके लिए अपने को, बजाज की चेन लेनी है कि रोलोन की ब्रास प्लेटेड चेन लेनी है, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या लूँ। तो देखते हैं कौन सी चेन, अपने गुरुजी से पूछेंगे जो अपनी गाड़ी पे काम करते हैं, वो गुरुजी से अंगद भाई, उनको पूछूंगा मैं कि इस पर कौन सी चेन सही रहेगी। तो ये संडे पता चल जाएगा मुझे क्या डालूं। मैं चाहता तो अभी उनको फ़ोन करके पूछ लेता था, बट वो काम में रहेंगे इसके लिए नहीं कर रहा हूँ फ़ोन। तो देखते हैं अब क्या डालते हैं अपन इसमें चेन। मोस्टली तो मेरा दिल कर रहा है मैं इसमें गोल्ड ब्रास प्लेटेड वाली चेन डालूं, अगर मेरा बजट बन गया तो डाल दूंगा, नहीं तो थोड़ा टाइम रुकूंगा और फिर डालूंगा इसमें चेन में। चलो चलते हैं, थोड़ा खींचते हैं। तो भाई ये बहुत हार्ड है, बस इसका इसके लिए ये गाड़ी मुझे पसंद है। हल्की वॉबल कर रही है, हवा तो है इसमें बट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है इस पर, इसके लिए मैं इसकी व्हील बेयरिंग्स चेंज कर रहा हूँ।
क्योंकि हाई स्पीड अपन मैं ज़्यादातर हाई स्पीड चला कर लेता हूँ इस पर, इसके लिए मतलब 100 के ऊपर चलते रहता हूँ, तो इसके लिए मुझे इसकी वो चेंज करनी है व्हील बेयरिंग्स। अब देखते हैं कभी तक चेंज हो पाएगी वो। चलो, धूप बहुत है इसके लिए ये टाइम पे मैं बनाता हूँ व्लॉग 4 बजे करीब, क्योंकि धूप में नहीं जमता, बहुत ज़्यादा गर्म है भाई माहौल, 38, 37, 39 डिग्री सेल्सियस चल रहा है गर्मी। तोड़ने में कुछ नहीं, एक बार तोड़ दूंगा आदत लग जाएगी मुझे भी। ओह, ये भी ओला S1 प्रो इलेक्ट्रॉनिक, अच्छी है ये भी। ब्रिज से नहीं, नीचे से जाने का अपने को, अपन राइट से जाएंगे धारावी होते हुए माहिम, माटुंगा रोड पकड़ के, माटुंगा रोड वाला रास्ता पकड़ के। अब यहाँ से लेफ्ट मार के जाना है अपने को, लेफ्ट मारेंगे यहाँ से और सीधा माटुंगा रोड वाला रास्ता पकड़ के। चलो, खुला है अपना सिग्नल। और आप सबको दिल से तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपने इतना सपोर्ट किया मुझे। मेरी लास्ट वीडियो एक हफ्ते के अंदर मतलब 6 दिन में उसने 300 व्यूज क्रॉस किया। अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो नहीं थी मेरी जो 6 दिन के अंदर 300 व्यूज क्रॉस करी हो। यहाँ पे एक चाचा थे पीछे, उनकी दुकान गई, बंद है फ़िलहाल, तो अभी शायद बंद कर दिए होंगे यहाँ से, क्योंकि वही टाइम पे वो बहुत बुढ़े थे, सबसे कम पैसे में करके देते थे काम। इसके लिए हम लोग सब, हमारे एरिए के जितने मेरे दोस्त लोग थे, हम लोग सब यहीं आते थे वो काम कराने। साइकिल का शौक था, साइकिल से फिर बड़ी साइकिल आई, बड़ी साइकिल के बाद गियर वाली साइकिल आई, गियर वाली साइकिल के बाद मेरी गाड़ी आई पहली एक्सट्रीम, जिससे मैंने इसको ख़रीदा। हर एक की कहानी कुछ अलग होती है, ऐसे ही मेरी भी कहानी थोड़ी अलग है। किसी वक्त किसी मोड़ पे अपनी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। जब तक के लिए बने रहिए मुसाफिर के साथ, मज़े करेंगे जब तक। अच्छा बुरा टाइम हर एक की ज़िंदगी में आता है, तो क्यों नहीं, जब अच्छा वक्त है तो बुरे वक्त को ना गिना जाए। लेट्स हैव फन विद अ गुड टाइम। बस अब इसके बाद यहाँ से नीचे से घूम के जाएंगे, लेफ्ट मार के यूटर्न, सीधा माहिम रोड वाला रास्ता आ जाएगा। और सोच रहा हूँ अगर हो सका तो इसका थ्रॉटल बॉडी भी क्लीन करा ही लूँगा इस बार, क्योंकि 14,265 किलोमीटर्स हो गए, और जब ये सर्विस के लिए जाएगी मे बी 14,500 हो चुका होगा। हाँ, पेट्रोल पंप के बाजू से अंदर जाने का रास्ता, यहाँ से ऐसा अंदर जाएंगे और फिर वो वाले रोड पर निकलेंगे जहाँ माहिम दरगाह है, माहिम दरगाह से ही आगे जाएंगे तो अपन को मिल जाएगा। ये आ गया अपन माहिम दरगाह के अंदर। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। ओके, कबूल करिए। ये रहा बजाज, इधर ही जाके अपन को अपना सामान लेना, बंद तो नहीं है ना? नहीं भाई, चालू है। चलो आओ, देखते क्या सामान मिलता है मेरे को। चलो जाके आते हैं। दादा, सामान गए थे। ओहो, RS पे काम चल रहा है।
जोरों में। आप ले रहे क्या अंकल? आरएस का रेयर का व्हीलिंग बेरिंग दो ना, दो एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, क्लच केबल। आरएस के लिए क्लच केबल मिलेगा, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर का मिल जाएगा ना, ऑयल फिल्टर भी। अपना काम तो हो गया, इधर से सामान ले लिया, जाएंगे। तो ये है N250 और उसके अंदर खड़ी है S250। अच्छी है दोनों भी गाड़ी। चलो निकलते हैं यहाँ से। इधर रुक के आपको बताता हूँ कितना बिल हुआ है। यहाँ से चढ़ा के लेके चलेंगे। हाँ चढ़ा के ले, चलो रेडी है। मार्जिन है भाई, खड्डा खोद दिए फुटपाथ पे। चलो हो गया। कहीं रुक के आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लिया है और क्या क्या लेना है। इधर आपको दिखाता हूँ। ये है एयर फिल्टर आरएस के लिए, 262 रुपीज़ का। ये है क्लच केबल, ये है उसका नंबर, पार्ट नंबर है ये, और ये उसका प्राइस, और ये कमोडिटी क्लच केबल दो। ये है फ्यूल फिल्टर, इनलाइन फ्यूल फिल्टर, इसका पार्ट नंबर है ये, और इसका MRP 106। ये हो गया। अभी उसके बाद है ये ऑयल फिल्टर, जिसका है पार्ट नंबर ये, और ये प्राइस है 78। और ये है बेरिंग 107 रुपये की, और ये बड़ी बेरिंग 140 रुपये की। तो ये दोनों बेरिंग का काम है, रेयर की रेयर बेरिंग्स है ये दो। बस इतना ही सामान लिया है, इसके ही 1000 रुपये हो गए। बाप रे बाप, बहुत महंगा है भाई, बट ठीक है, KTM से सस्ता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। चलो अब चलते हैं घर और करता हूँ आगे मैं अपना व्लॉग एंड। तो बस इसी नोट पे करते हैं अपनी वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुसाफिर को दुआ दीजिए। चलिए बाबा।